जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक, इस समय हूं मैं खुंगा एकेडमी में। जी हाँ, खुंगा एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2009 में। 2009 से लेके 2023 तक, से लेके आज 2023 है, मतलब पिछले 14 सालों में खुंगा एकेडमी ने इंडियन आर्मी को दिए हैं 8,500 से ज्यादा सैनिक। जी हाँ, 8,500 से भी ज्यादा सिलेक्शंस खुंगा एकेडमी के पास में है। और इस बार तो बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो बैच था राजपूताना राइफल्स का, उसमें 100% सिलेक्शन गई है। जी हाँ, 100% भाई, ये जो एकेडमी है ना, ये सिलेक्शन में 50-30% इन सब पे नहीं खेलती, 90-95% से ऊपर सिलेक्शन रहता है। तो हमारे पास में बहुत डिमांड थी, जो भी हमारे पहले के एस्पिरेंट्स थे, कि सर कुछ तो इस बार एसएसबी के लिए करो, एसएसबी के लिए कुछ तो, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज है, इतना एडवांस है, हर एक चीज सपोर्ट कर रहा था, बस थोड़ी सी एक कमी रह रही थी, हो रही थी एसएसबी को। तो जो यहां के डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एसेसर्स, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और फाइनली एक टीम लेके आए हैं। जी हां, एक टीम लेके आए, एसएसबी टीम, जो कि इंडिया की द मोस्ट एक्सपीरियंस एसएसबी टीम है। जी हां, 10 साल से ज्यादा तो खाली इनका ऑन कोचिंग एक्सपीरियंस है, उससे भी पहले ये एसएसबी बोर्ड के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जिनके अंडर में कम से कम, मैं बता रहा हूं, हजारों के करीब में जो कैडेट्स है, जिनको इन्होंने एसेस किया, जो कि आईएमए में और एनडीए में गए। जी हां, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को सरप्राइज दिलाना चाहूंगा इस चीज को लेके। ये रहे हमारे एक एसेसर्स हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं एसएसबी बोर्ड के, एक्स साइकोलॉजिस्ट अगेन हमारे पास में एसएसबी बोर्ड के हैं, और हमारे पास में एक्स डायरेक्टर जो रिक्रूटिंग है, ये हमारे एआरओ के है। कहने का मतलब, जो भी हमारे पास में जो एसएसबी टीम है, ये आर्मी की एलीट ऑफिसर क्लास टीम है ये, जो कि आपको एसएसबी की मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगी। तो अब इस सरप्राइज से पर्दा उठने वाला है, अब आपको पता चलेगा जो एसएसबी की जो हमारी टीम है, हम क्यों दावा कर रहे हैं कि ये इंडिया की बेस्ट एसएसबी टीम है। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करूंगा हमारे खुंगा एकेडमी के डायरेक्टर साहब सुनील खुंगा सर, जो कि आप के लिए इस सरप्राइज से पर्दा उठाएंगे। सर, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच सर, बच्चों के बारे में इतना सोचने के लिए। सर, थैंक यू अनीश सर, और थैंक यू बच्चों। सबसे पहले जय हिंद आप लोगों को। अब जैसे अनीश सर ने बताया कि हमारा पहले बहुत एक्सपीरियंस है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस में जो सिलेक्शन होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, उसके बारे में। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो है एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी इंटरव्यू की बड़ी डिमांड है, हमारे काफी एक्स स्टूडेंट या काफी पेरेंट्स भी पूछते हैं कि सर आप एसएसबी का क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसबी के लिए मेंटरशिप। ये है हमारे एसएसबी का जो टीम होगी, उसके सबसे बड़े पिलर्स। तो सबसे पहले हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जीटीओ जो है, वो है कमांडर चंद्रशेखर आजाद। ये नेवी में पहले बोर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं बेंगलोर में, और इनका वाइड एक्सपीरियंस है फौज में जो सिलेक्शन होता है या एसएसबी में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। दूसरे जो हमारे जो टीम के मेंबर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट कर्नल मुक्तेश्वर प्रसाद। इनका भी बड़ा एसएसबी बेंगलोर में बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और काफ़ी बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट भी किया है, एसएसबी किया है, और उसके बाद में गाइड भी किया है रिटायरमेंट के बाद। और तीसरे जो हैं, वो है हमारे कर्नल डीके सिन्हा सर। ये रिक्रूटिंग डायरेक्टर रहे हैं, और बड़ा एक्सपीरियंस है इनको फौज में, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या कैसे जो भर्तियां होती हैं या कैसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, कई सारे बोर्ड में रहे हैं, ये खुद एक्स एनडीए हैं, सैनिक स्कूल पास आउट हैं, और बड़ा एक्सपीरियंस है फौज में, करीब 37 साल सर्विस की है। उसके बाद जो है ये हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, और ये हमारे एसएसबी मेंटर रहेंगे इसमें। अब नेक्स्ट चीज जो आती है कि यहाँ जो खुंगा अकेडमी में जो एसएसबी का जो बैच चलेगा या एसएसबी की जो कोचिंग हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले आपकी एनडीए एंट्री, जो कि 12th के बाद होती है या 12th अपियरिंग में होती है। उसके बाद है टेक्निकल एंट्री स्कीम, TES। टेक्निकल एंट्री स्कीम भी आपकी 12th के बाद होती है। ये टेक्निकल जो बच्चे जो JEE का मेंस क्वालिफाई करते हैं, उन बच्चों के लिए डायरेक्ट एसएसबी की कॉल आती है, वो TES एंट्री कहते हैं। थर्ड है हमारी CDS। CDS है ग्रेजुएट एंट्री, जिसमें दो प्रकार की एंट्री है, एक IMA के लिए है जो परमानेंट कमीशन है, दूसरी है OTA के लिए, OTA जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन।
और शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है वुमेन एंट्री भी है। थर्ड है एफकेट, है ना, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स में जो डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं जिसमें पायलट भी होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स भी होते हैं और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे एफकेट के थ्रू जाते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं वहां पर एक नॉर्मल सा इंटरव्यू करके उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, तो एसएसबी कॉल आती है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। नेक्स्ट इज एसीसी, एसीसी है आर्मी कैडेट कॉलेज, यानी जो फौज में अभी सर्विस कर रहे हैं और ट्वेल्थ पास हैं वो बच्चों को मौका दिया जाता है परमानेंट कमीशन के लिए, वो आईएमए में जाते हैं एसीसी के एंट्री से। उसके बाद है एससीओ और एसएल, एससीओ है स्पेशल कमीशन ऑफिसर, और ये दोनों कमीशन है जो फौज में आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ सर्विस हो जाती है उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एसएसबी लिया जाता है। नेक्स्ट इज एनसीसी एंट्री, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और सी में ए या बी ग्रेडिंग है उन बच्चों को डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो ये भी एनसीसी एंट्री जो है इसके लिए भी एसएसबी की जो एंट्री है उसके लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड एक होम मिनिस्ट्री की फोर्स है, कोस्ट गार्ड में भी जो एंट्री है वो ऑफिसर लेवल पे होती है, वो एसएसबी के थ्रू ही होती है, तो कोस्ट गार्ड का एक अपना सिलेक्शन बोर्ड है जो एसएसबी कंडक्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज टीए, टीए है टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी में जो है जो 42 इयर्स तक के जो कैंडिडेट हैं जो फौज में कुछ टाइम के लिए टाइम बिताना चाहते हैं या फौज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए एक एसएसबी की एंट्री खोली गई है, काफी सालों से चल रही है, तो ये टीए एंट्री कहते हैं इसको। तो ये सब जो सिलेक्शन है इन सब में एसएसबी इंटरव्यू लिया जाता है। फौज में केवल एक एंट्री ऐसी है जिसको बिना एसएसबी के आप जा सकते हैं, वो है आपकी मेडिकल, है ना, आर्मी मेडिकल कोर में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें आपका एसएसबी नहीं होगा, लेकिन आरवीसी जिसको रिमोट वेटनरी कोर कहते हैं जिसमें एनिमल डॉक्टर जो जाते हैं उसमें भी एसएसबी ली जाती है। तो ये सारी एंट्री में जो एसएसबी लिया जाएगा उसकी कोचिंग हम खुंगा अकेडमी में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्या मॉड्यूल रहेगा, कैसा हमारा कैंपस रहेगा, उसके बारे में सुशील खुंगा सर जो है आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सुनील, थैंक यू अनीश सर। बच्चों जैसा कि आपने देखा कि अनीश सर ने जो एकेडमी का एक हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट और सुनील सर ने जो हमारी जो कोर टीम है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो ये तो आपने देख लिया होगा कि जो हमारा एक 14 साल का एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस के सेक्टर में, उसके साथ जो हमने अभी टीम सेलेक्ट की है, क्योंकि खुंगा अकेडमी का हमेशा से एक मोटो रहा है कि जिस चीज को करेंगे, जिस कोर्स को हाथ लगाएंगे तो उसमें हम रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे, तो उस रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए बच्चों के भरोसे पे खरा उतरने के लिए हमने वन ऑफ द बेस्ट टीम जो इंडिया की हो सकती है वो टीम हम लेके आए हैं। अब जो टीम है उस टीम के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है। यस, हमारे पास करीबन 5.5 एकड़ का कैंपस है जिसमें एसएसबी के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपकी इंडोर एक्टिविटी और आपकी आउटडोर एक्टिविटी, तो इंडोर एक्टिविटी के अंदर हमने वहां बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स रखे हैं जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट वो पार्ट रहेगा, और जो आपकी आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें आपका जीटीओ टास्क है, इंडिविजुअल टास्क है, उसके लिए एक पूरा ग्राउंड है। वो सारी जो एसएसबी के ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि आपने जर्नली देखा होगा बहुत सी जगह पर ऐसा है कि लोगों के पास कैंपस नहीं है, वो इंडोर में ही या क्लासरूम स्टडी में ही आपको प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करते हैं, और बच्चे जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाते, जब तक एक्चुअल आप ऑब्स्टेकल्स को नहीं देखते हो, आपको पता नहीं है कि कैसे चीजें करनी है, तो आप उन चीजों को उतना अच्छे से न तो समझ पाते और उतना न अच्छा परफॉर्म कर पाते, तो उसके लिए जो खुंगा अकेडमी ने पूरे ऑब्स्टेकल्स बनाए हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको कैंपस में देख भी रहा होगा, ये हमारा जो है वो एडम ब्लॉक है, इसके साथ यहाँ पर हमारे जो क्लासरूम से हॉस्टल है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं जो हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ आप जो देख पा रहे होगे ये आपके एसएसबी के ऑब्स्टेकल्स बने हुए, यहाँ पर आपका एक रनिंग ट्रैक भी है, वहां पर जो बच्चे रहेंगे उनके लिए खेलने के लिए जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, तो ये पूरा एक ह्यूज कैंपस है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बच्चा जो कोर्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए आएगा तो उसको एक्चुअल में एसएसबी के तरीके से ही कराया जाएगा, लाइक उनका जो सुबह का
हमारा ट्रेनिंग का सेशन होगा वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर रात को 8:30 बजे तक रहेगा। उसके साथ जो क्लासरूम्स हैं, हमारी जो बाकी एक्टिविटीज हैं, प्रॉपर वैसे ही चलेंगी जैसे SSB में चलती है। उसके साथ जो बॉयज और गर्ल्स जो बाहर से आने वाले उनके लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी दी है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग है। इसके साथ यहाँ पर एक मतलब जो बच्चे वहां रहेंगे वो एक साथ मतलब डाइनिंग का करीबन 250 बच्चे एक साथ डाइनिंग कर सकते हैं। इसके साथ वहां पर जो बच्चे रहेंगे उनको इवनिंग टाइम में अपने पर्सनल नोट्स बनाने, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, उसके लिए वहां प्रॉपर एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी फैसिलिटी दी है जिसमें सभी मैगजीन्स, करंट अफेयर्स का सारा स्टडी मटेरियल रहेगा। उसके बाद जब आप उस कोर्स के दौरान रहोगे तो वहां मैं आपको बता देता हूं जैसे खाने की बाकी फैसिलिटीज के बारे में। सुबह सबसे पहले आपको बच्चों को बैग टी मिलेगी, उसके बाद प्रॉपर आपका डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट होगा विद मिल्क। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास आपका ब्रेक होगा जिसमें आपका टी और स्नैक्स रहेगा। दिन में लंच का एक प्रॉपर बफे रहेगा। उसके बाद करीबन 4:30 बजे के टाइम इवनिंग टी रहेगी और रात को डिनर रहेगा। तो सुबह से लेकर रात तक का एक प्रॉपर SSB वाला शेड्यूल है। जब आप इस तरह के प्रोसेस में रहते हो और इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हो और इतने हाई क्लास, इतने जो टॉप क्लास फैकल्टी के अंडर में आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रो सकता। आपका जो ड्रीम जॉब है कि आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो वो सपना आपका 100% सच होने वाला है। अब टीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा SSB का क्या प्रोसेस रहेगा, बच्चों को किस तरह से हम ट्रेन करेंगे, ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब आप बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर SSB की क्लासें कब स्टार्ट होंगी, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट बैच है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारा एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है 9212265380, उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो। बाकी हमारे एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर भी इसकी पूरी डिटेल मिलेंगी। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।